मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचकर सभी समाजसेवी व बुद्धिजीवियों ने माल्यार्पण किया और एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर भारी संख्या में युवा भी दिखाई दिए, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ये वचन लिया कि हम हमेशा सत्य का साथ देंगे। इस अवसर पर समाजसेवी सरदार गुरविंदर सिंह का कहना था कि आज पूरा देश आजादी का दिवस मना रहा है, हम सब एक दूसरे की मदद करें, नशे से दूर रहें और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। स्वतंत्रता का 75वां दिवस है और आज से एक वर्ष के लिए अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो हम सब नगरवासी जितने भी जागरूक लोग हैं वो यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और गांधी प्रतिमा के नीचे आज सब हम लोगों ने एकत्र होकर अपनी स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर चर्चा की है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर माल्यार्पण कर फिर एक संकल्प लिया है और अब जब इस अमृत महोत्सव में एक नशा के विरुद्ध अभियान चल रहा है, तो आज हम आपके इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि ना तो कोई स्वयं किसी प्रकार के भी नशे का सेवन करेगा, ना किसी को करने देगा। अब करने देगा मतलब हम वहाँ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उसे समझाएंगे, मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन को बताया जाएगा कि भाई ये लोग यहाँ पर नशे का कारोबार कर रहे हैं या नशा यहाँ पर मिलता है। जो हमारी जो यंगर जनरेशन है, भाई हम लोगों ने तो अपना समय गुजार दिया, लेकिन किसी भी देश का भविष्य उसके युवा होते हैं, तो युवा को अगर नशे में डाल दिया गया, नशे की लत पड़ गई, तो वो यूथ किसी काम का नहीं रहता है। तो आज के दिन यही संकल्प हमने ओथ भी दिलाई है और यही संकल्प है कि लोग नशे से बचें और जो लोग नशे का काम करते हैं उन्हें पहले तो समझाएं, समझाने से नहीं बाज आते हैं तो प्रशासन को सूचना दी जाए ताकि नशे से युवा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।